अस्सलाम वालेकुम बच्चों बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ साथ हम आपको जो है वो भी पढ़ाएंगे, करेक्शन मैनर्स भी पढ़ाएंगे। काइंडली बेटा जरा जल्दी से इसको नोट डाउन करो और फिर मुझे चैट पे बताओ कि सर डन, ताकि मैं आपको इसके जरा सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा, वो तुम लोग बाद में कर लेना ठीक है, क्योंकि ये आसान टॉपिक है। और टेंसेस की फ्यूचर के बाद में एक इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज अलग से करवाऊंगा बाद में, अभी नहीं करवा रहा, बाद में करवाऊंगा। बट अभी के लिए बेटा जल्दी से स्ट्रक्चर उतारो, ताकि मैं आपको एक दो सेंटेंस अपने सामने ही बनवा कर मैं ये करूँगा कि आपको फिर मैंने करेक्शन ऑफ एरर्स लेके जाना है, एक वजह है ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। जल्दी करो मेरे बच्चों ज़रा, शाबाश, जब इसको नोट डाउन कर लो तो डन बोल देना। और मेरे बच्चों ज़रा आप में से कोई एक जिम्मेदारी ले लो, कि जैसे कि जो इस तरह की क्लासेस होती है ना, कोई एक बच्चा है जो कि माशाल्लाह से मतलब कि डेली बेस पे क्लास देता है प्रॉपरली तौर पे, वो ये जरूर बेटा कि आप लोग खुद स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप उसे अपने ग्रुप पे डाल दिया करोगे। कोई एक बच्चा काइंडली जरा खुद जिम्मेदारी ले ले, ताकि मुझे बोलना ना पड़े। कोई है एक बच्चा बेटा जो खुद अपनी तरफ से वो वॉलंटियर करना चाहेगा कि सर मैं कर दूंगी? अरे एक तो बोल दो भाई, मैंने कोई मुश्किल काम कह दिया है क्या इतना? जल्दी करो उसको नोट डाउन, फिर मुझे बताओ जरा चैट पर कि सर डन। ठीक है बड़ा सामिया, शाबाश। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा सबके सब, उसके बाद जरा आप लोगों ने इसको फिर ये आगे भी करना है, जल्दी करो। अरे ऐसा भी क्या नोट डाउन करने के लिए दे दिया, तीन बच्चों के सिर्फ अभी तक नोट डाउन हुए हैं? क्या सुस्त होके टाइप कर रहे हो तुम लोग, लिख रहे हो? चलो भाई मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों देखो, फ्यूचर में हमारे पास अगर हम बात करें तो बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके पास फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगी, ठीक है? कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में क्या होगी, प्रोग्रेस में होगी। मैं आपके सामने बेटा जी अभी सिर्फ दो सेंटेंस आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जब मैं बनवा रहा होता हूँ तो काइंडली ज़रा इसको बेटा अपने पास जो है ना, और मैं बार बार यही बात बोलता हूँ अल्लाह के वास्ते, इसको मेरी तरह नोट डाउन मत कर लेना ठीक है? इसको आप लोगों ने उर्दू में लिखना होगा, मैं रोमन में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग एहतियात करना, समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लेना कि सर ये क्या लिखा हुआ है, बट स्टिल देखते हैं जरा। हमारे पास हम बुलाते हैं फातमा सिद्दीक। फातमा बेटा माइक पर आओ। फातमा सिद्दीक जी सर, मेरा बच्चा, जरा सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
जी सर लिखा हुआ है। अरे अरे मेरा बच्चा, क्या लिखा हुआ है ये बोल रहा हूँ, पढ़ो। मैं अगले साल लाहौर जा रहा हूँगा। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ ये कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रो नेगेटिव है, कौन सा ये? अफर्मेटिव है। ठीक है बेटा, अफर्मेटिव है। तो मेरा बच्चा जरा इस अफर्मेटिव को जरा बनाओ, क्या बनेगा इसका? इसका सेंटेंस, आई विल बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। शाबाश। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा बताइए। आई विल बी नॉट गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। ना हाँ, गलत पढ़ रहे हो, दोबारा सोचो, दोबारा बोलो। आई विल बी नॉट गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट गलत, ईयर। दोबारा देखो, गलत। सर पता नहीं, आप बता दें। अरे मेरा बच्चा, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो, फिर बनाओ। आई विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, तुम नॉट और बी को आगे पीछे कर रही थी, बी नॉट नहीं, नॉट बी। आई विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। इंट्रोगेटिव बनो, क्या बनेगा? Will I be going to Lahore next day? ओके, और इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? Will I not be going to Lahore next year? ओके शाबाश, ठीक है। अब जरा बस इसको यहाँ पे रोकते हैं तुम्हें, और बाकी बच्चे यार सॉल्व करते जाओ, ठीक है, ताकि फिर हम जरा आगे बढ़ जाएंगे इसके साथ साथ। अच्छा, हम बोलते हैं इसके साथ साथ, समिया बेटा माइक पर आइए जरा। मैं पढूं? मेरे बच्चे पढ़ो, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? क्या तुम इबादत कर रहे होगे? तो बेटा मुझे बताओ ये टेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, कौन सा ये? इंट्रोगेटिव। तो मेरा बच्चा क्या बनेगा इंट्रोगेटिव बताओ। विल यू बी प्रेइंग गुड, क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव बनेगा, यू विल बी प्रेइंग। नेगेटिव बनेगा, यू विल नॉट बी प्रेइंग। ओके, इंटरोगेटिव बना दिया, इंटरो नेगेटिव, विल यू नॉट बी प्रेइंग। शाबाश, ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा जल्दी से करो, मैं तुम लोगों को इसको करने के 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा फातिमा बेटा, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो फातिमा सिद्दीक? और हूरिया बेटा, आपका मैसेज आया हुआ था, आप बोल रहे हो मुस्कान को ऐड कर लूँ, लेकिन मेरा बच्चा, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ऐड करूंगा ना। इंशाल की भी अभी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एक्सेप्ट भी किया, वो ऐड ही नहीं हुई शायद मेरे ख्याल से। इंशाल उसको बोलो रिक्वेस्ट तो भेजे, वरना मैं ऐसे कैसे ऐड करूंगा। फातिमा बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरा बच्चा पूछ लो, जल्दी से करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, मैंने दूसरा काम भी करवाना है, इसलिए बोल रहा बेटा मैं। अरे तो सर कैसे ऐड कर लें, सर तो आपके सामने ही मौजूद हैं, कोई रिक्वेस्ट आएगी तो करूंगा ना, टॉपर मेरा नाम आ रहा है, वरना रिक्वेस्ट आती है सामने आ रहा होता है, कोई भी वेटिंग रूम में नहीं है। सर ऐड नहीं करेंगे उसको, बोलो पहले वो रिक्वेस्ट भेजेगी तो मैं ऐड करूंगा ना उसको, क्या बोल सकता हूँ फिर। हाँ भाई, डन कर लिया जल्दी। अरे भाई तुम लोग मुझे लगता है दूसरा काम करवाने नहीं दोगे, मुझे लग रहा है जिस तरह तुम लोग काम कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा तुम लोग दूसरा काम मुझे करवाने दोगे।
अरे भाई अल्लाह के बंदो मुझे बता दो, कर लिया है कि नहीं किया? चार बच्चों का मैसेज आया, बाकी पता नहीं क्या सो रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। अरे सिर्फ सेंटेंस उतार लिया करो, बाद में खुद बना लिया करो, बाद में मैं गाइड कर दूंगा। बोल तो रहा हूँ कि होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मेरे बच्चे एक काम करो, ये वाले सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लो, ये तुम लोगों ने बनाने, ये वाले सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लो। जब स्क्रीनशॉट ले लो तो दोबारा मैसेज करो डन का, या ओके का मैसेज कर दो, मस्ता नहीं है। अगर कंफ्यूज हो गए तो ओके लिख के भेज दो, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि हम जरा अपने दूसरे काम पर जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ओके तो मेरे बच्चों बेटा, यहाँ पर तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब मैं इसको रोकता हूँ, एक मिनट रुको। मैं दरअसल तुम लोगों को करेक्शन ऑफ एरर्स के ना कुछ सेंटेंसेस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा अगला होगा ना, अगली जो हमारे मतलब एक करेक्शन ऑफ एरर्स की क्लास होगी, वो थोड़ी सी लेंदी होगी, मतलब उसमें मुझे थोड़ी सी तुम लोगों की अटेंशन चाहिए होगी, ये वजह है। काइंडली जरा मुझे कोई बता सकता है कि हमने लास्ट टाइम कौन सा सेंटेंस करवाया था? कहाँ गया हमारे पास, एक मिनट रुकिए बेटा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमने मेरे बच्चों लास्ट टाइम कौन सा करवाया था करेक्शन ऑफ एरर? मेरे ख्याल से हमने 15 करवाया था, ऐसे ही ना 15 करवाया था ना मेरे ख्याल से। फोर्टीन करवाए थे हमने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है। अच्छा 14 करवाए थे हमने। मेरे बच्चों एक काम करो, तुम लोग यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो, ये देख रहे हो, जहाँ तक मैं बोलूंगा फिर तुम लोगों ने पहले वो नोट डाउन करने, एक मिनट को तुम लोगों को मैं प्रॉपरली दिखा रहा हूँ, परेशान मत हो बेटा। आप लोग जरा 15 से नोट डाउन करो पहले, 20 तक मैं आगे और करवाऊंगा, पहले जरा ये नोट डाउन करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तोड़ के इसलिए पढ़वाना पड़ रहा है कि जो नेक्स्ट आएंगे ना उसमें दरअसल एक्सप्लेनेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तुम लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज होगे। सबसे पहले काइंडली जब तुम लोग 20 तक उतार लो ना तो मुझे बता देना कि सर डन, ताकि तुम लोगों में आगे के और करवाऊंगा। और ये वाले अभी करने, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, 14 तक किए में ना, 15 से 20 तक उतारो जल्दी से, करेक्शन ऑफ एरर्स के आगे उतारो, और जल्दी करो मेरे बच्चों, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, फटाफट उतारो जरा। 20 के आगे मैंने और करवाने, 25 तक लेके जाऊंगा आज मैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस तुम लोगों का होमवर्क है, वो करके लेके आना, पहले बोल रहा हूँ। हम लोगों ने बेटा इंशाल्लाह सेमी ग्रैंड टेस्ट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं ना साथ साथ, वो उसमें इंक्लूडेड है। जल्दी उतारो ये, इंशाल्लाह पता नहीं कहाँ गई बच्ची, अभी इसने इंटरव्यू हुई थी, मैंने एक्सेप्ट भी किया, फिर खुद ही गायब हो गई बेचारी, पता नहीं कहाँ गई। आज थोड़ी कम बच्चियां नजर आ रही है मेरे ख्याल से। डम्स, नुजैफा, मुस्कान, हूरिया, फातमा, अलिशबा, समिया, कहाँ गए? हाँ वो मुझे आइडिया हो गया था कि इंशाल्लाह ज्वाइन नहीं कर रही, फिर मस्ता हो गया होगा। परेशान मत हो, ठीक है, मेरे लेक्चर सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, उसको बोल देना कि जो गुलशन के एडमिन है उनसे कांटेक्ट कर ले तो उसको मिल जाएगा। मेरे बच्चों ये सॉल्व करने मत लग जाना, सिर्फ 6 सेंटेंसेस ये वाले नोट डाउन करो, आंसर्स बाद में लिखना, मैंने आगे देने हैं, वो अगली स्लाइड पर हैं, और तुम लोगों के चक्कर में सबके सब बैठे रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं।
जल्दी करो। जी बेटा मुस्कान पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर ये सारे उतारने इसमें मतलब सेम सेम भी आपने पिछले बार करवाए थे सेम भी है। अरे मेरा बच्चा मुस्कान, मैं यही तो बोल रहा हूँ, हमने लास्ट टाइम 14 तक कर लिए थे, ठीक है? आपने यहाँ से 15 से उतारना शुरू करने, यही तो बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, 15 से 20 तक उतारने हैं, और इनके आंसर की जगह जिस तरह पिछले वाले किए थे ना, उसी तरह से इनके आंसर की जगह छोड़ते जाओ। मैंने आगे और लिखवाने हैं, लेकिन बेटा वो नेक्स्ट स्लाइड पर है, नेक्स्ट पेज पर है, ये आपको स्क्रीन पे वरना नजर नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी नोट डाउन करो इसको। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट और रुक जाता हूँ भाई, ताकि एक जितना लिख सकते हो लिख लो तुम लोग इसके अंदर, ताकि तुम लोगों को आगे के सेंटेंस दूंगा, फिर मैं तुम लोगों को गाइड करूँगा। बेटा ये 5 उतार लो अपने पास, ये वाले 5 उतार लो, 21 से 25 तक उतार लो, ये तुम लोगों ने आज आज करना है, बाकी वाले बाद में करेंगे, बस इतने नोट डाउन कर लो। शाबाश, जल्दी करो। और यहाँ तक नोट करने के बाद अब इन करेक्शन ऑफ एयर, मतलब तुम लोगों ने उतारना शुरू किया 15 से, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब कि तुम लोग टोटल आज 11 सेंटेंसेस उतार रहे हो। ये वाले मुझे अभी चाहिए सॉल्व करके, अभी इनके आंसर चाहिए यहाँ 25 तक के। तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद मैं डायरेक्ट तुम लोगों को आंसर टैली करवाऊंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी करो। और जब पूरा सॉल्व कर लो यहाँ तक, जी बेटा समिया, आपने 15th वाला उतारा ना, तो उससे लेके 25 तक यहाँ तक सॉल्व करना है आपने, अभी अभी करना है, ये अभी का काम है। फ्यूचर कंटिन्यूस बेटा घर का आपका होमवर्क है। और मेरे बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो वगैरह ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, माइक भी ऑफ कर रहा हूँ, परेशान मत होना, यहीं पर हूँ, कोई सवाल पूछना हो शैट पे पूछ लेना, सही है मेरे बच्चों? लेकिन 10 मिनट्स दे रहा हूँ बस, उसके बाद मैं खुद आंसर बताना शुरू कर दूंगा, कोई इतने मुश्किल नहीं दिए मैंने आपको, फटाफट बनाओ। शाबाश।
3 मिनट्स रिमेनिंग बेटा, जस्ट 3 मिनट्स रहते हैं, जल्दी करो, जब सॉल्व कर लो तो बता देना, ऑल डन। फिज़ा बेटा, जब मैं बोलूँगा तभी आवाज़ आएगी ना, मैं अब लगातार तो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली बात है, मैं क्या बोलूँ, चमचम खेलूँ आपके साथ, नहीं ना, जब बोलूँगा तभी आवाज़ आएगी ना। मेरा बच्चा, मैंने काम करने के लिए दिया हुआ, इसलिए चुप बैठा हुआ हूँ मैं। चलो भाई, टाइम्स अप। अब ज़रा बेटा हम आंसर बताना शुरू कर रहे हैं, सारे के सारे देख लो, जिसने जितने कर लिए। मुझे लग रहा है थोड़े बहुत तुम लोग फंसे होगे, तो फटाफट ज़रा देखो, ठीक है? और तुम लोगों ने एक काम करना है, जैसे ही मैं 25 तक आऊँ, फ़ौरन से तुम लोग मुझे बताओगे सर इतने डन अरे इतनी मिस्टेक्स हैं, ठीक है? अब ज़रा देखो, हमने बेटा यहाँ से बताना शुरू किया था, सारे देखो, आई थिंक बल्कि 15 से बताना था मैंने आपको, है ना, 15 से। अब देखो मेरे बच्चों, अगर आप देखो ना, ये देखोगे क्या कहते हैं अपना, बिर्केनहेड वॉज अ ट्रूप शिप। अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो मेरे बच्चों, तो इसका आंसर है हमारे पास, दी बिर्केनहेड वॉज अ ट्रूप शिप। मैंने आपको जब चैप्टर भी पढ़ाया था, मैंने आपको तब एक बात बताई थी कि शिप्स के नाम से पहले हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, ठीक है? तो लिखा हुआ भी आ गया कि वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ शिप, कि शिप का जो नाम होगा ना, अगर कोई नाम है उसका, उससे पहले आप द लगाते हो, ये रूल है आर्टिकल्स का, डन, ठीक है? अब जरा बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश, क्या बनेगा, वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन रहा है, तो लर्निंग आएगा। किसी चीज में अगर अलग से एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, मैं आपको मेरे बच्चों वो भी बताऊंगा, फिक्र नहीं करो। 17 है, चिल्ड्रन डिपेंड फॉर नहीं होगा, ऑन होता है, चिल्ड्रन डिपेंड ऑन दियर पेरेंट्स। 18 है, नथिंग ग्रो इन अ डेजर्ट, क्या बनेगा, नथिंग ग्रोज, बिकॉज बेटा ये जो वर्ड्स होते हैं ना, समबडी समथिंग,
एनीबॉडी एनीथिंग नोबॉडी नथिंग या सर आप क्या एवरीबॉडी या एवरीबॉडी का भी होता है एवरीवन या एवरीबॉडी, ये सारे के सारे अगर आप बात करते हो तो एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के आगे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है मेरे बच्चों कि हम क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट है समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू लिव अ ऑनेस्ट लाइफ। इसमें दो मिस्टेक्स हैं, एक तो होगा समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, क्या आएगा एन ऑनेस्ट लाइफ, डन। ठीक है आगे आ जाओ जरा, शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। बेटा मस्ट हमारे पास आता है मॉडल है एक MODAL वाला, वो रैंप पे वॉक करने वाला मॉडल नहीं है, ये दूसरा मॉडल होता है। ठीक है, इसके आगे आएगा शी मस्ट लर्न और मॉडल्स के आगे हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डन। इसमें अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो बेटा ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, रूम नंबर ये 1 है, 10 आई थिंक ऊपर होगा, इधर नहीं होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जरा नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ सारे के सारे, हमारे पास हमने नेक्स्ट सेंटेंस दिया आपको द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। बेटा इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें इंग्लिश आएगा सिर्फ, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। व्हाई इज दैट, बिकॉज हम कभी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आ यूज नहीं करते या द यूज नहीं करते। ठीक है, आ उर्दू या द उर्दू नहीं आएगा, आ इंग्लिश या द इंग्लिश नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, द को हटा देना है वहां से। ठीक है, A green and a blue bird was caught. अब इसमें मिस्टेक क्या है बेटा, हम यहाँ पर एक बर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर एक बर्ड होता ना तो बीच में एंड नहीं लगता, ना आ आता, हम बोलते a green and blue bird. लेकिन यहाँ क्या लिखा, a green, एक green and a blue, और एक blue bird was caught. तो ये मिस्टेक क्या है, a green and a blue bird were caught आएगा। ठीक है, was नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, were। देखो मैंने आगे समझाया, ये देयर आर टू बर्ड्स, अ ग्रीन बर्ड एंड अ ब्लू बर्ड, द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज वर, वाज यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। नेक्स्ट है वेयर यू स्पेंड लास्ट संडे, तो बेटा ये अगर हम पास इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या बनेगा, वेयर डिड आएगा, पहले डिड लगाएंगे और डिड लग गया तो स्पेंट नहीं आ सकता, क्या आएगा, स्पेंड आएगा। ठीक है ना, लास्ट संडे ही हैड डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। मेरे बच्चों तुम लोगों को अभी मैं पास परफेक्ट पढ़ाऊंगा जब तुम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन इसमें सिंपली हैड नहीं आएगा, इसमें आएगा ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। मैंने आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्योंकि कंपैरिजन नहीं है दो पास्ट टाइम का, लिहाजा हम शायद, बल्कि मैंने पहले बताया था कि दो पास्ट टाइम का जब कंपैरिजन आता है दोनों के, दोनों पास्ट टाइम का, तब जाके हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, लेकिन इस टाइम का कंपैरिजन किसी और टाइम से नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा, सिंपली क्या लगेगा, सिंपल पास्ट लगेगा या पास्ट इंडेफिनिट बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट है इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। अच्छा ये पता नहीं तुम लोगों से कितनों ने ठीक किया होगा, आई होप कि कम से कम किसी ना किसी ने ठीक किया हो। बेटा दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। ठीक है, ये होते हैं, इसमें जो इफ वाला पार्ट होता है ना, इसके आगे आप जो है प्रेजेंट यूज करते हो, फ्यूचर यूज नहीं करते, दैट मींस विल नहीं आएगा। सिंपली सेंटेंस क्या बनेगा, इफ आई विजिट लंदन, ये प्रेजेंट में बनेगा, आई विल मीट यू, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस ये उसमें आता है। तो इफ क्लॉज के साथ हम विल यूज नहीं करते। मेरे बच्चों यहां पर हमारा ये आज का लेक्चर खत्म हुआ, काइंडली मुझे बताइएगा कि आपके जो कंडीशनल सेंटेंस आपने जो आज किए हैं, जल्दी से जरा बेटा मुझे बताइए कि इस पे कितनी मिस्टेक्स आई हैं आप लोगों की। अगर कोई मिस्टेक नहीं आई तो बोल दो इतनी मिस्टेक्स ऑल क्लियर, और अगर मिस्टेक आई है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी बता दीजिए कि सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर, सारे बताओ मुझको। और अगर सवाल करना है तो बेटा मोस्ट वेलकम, आप हैंड रेस कर सकते हो। अलेशवा मेरा बच्चा मिस्टेक्स का मसला नहीं है, मुझे बताओ क्लियर है, ठीक है, ओके। फातिमा सिद्दीक बेटा टू मिस्टेक्स, ओके ठीक है। समिया तुम्हारी कहाँ मिस्टेक आ गई, मेरा बच्चा तुम्हारी तो अपनी ओन वर्डिंग इतनी अच्छी है, तुम्हारी कहाँ मिस्टेक आ गई। मुस्कान बेटा आपने बताया नहीं कि थ्री मिस्टेक्स जो आई हैं आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, आपने आगे बताया नहीं कि ऑल क्लियर, कुछ पूछते हो बेटा बच्चा पूछ लो। हुरिया मेरा बच्चा आपने भी नहीं बताया, आपसे बता रहे हो, अच्छा ठीक है आपने बताया। मुस्कान मेरा बच्चा आप बताइए, ठीक है ओके गुड।
बेटा क्या इतने बच्चे पढ़ रहे हो क्या, और नहीं है क्या क्लास में हमारे पास, और भी तो बताओ। बाकी और बच्चे भी बताइए बेटा काइंडली सबके सब। चलो खैर टाइम्स अप, ठीक है बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप लोगों को बेटा नेक्स्ट टाइम दोबारा कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर के साथ। आप सब बच्चे बेटा अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट भी मुलाकात करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और समिया मेरा बच्चा आपने खुद कहा था कि सर मैं प्रॉपर्ली तौर पर मतलब कि सेंड कर दूंगी, तो बेटा काइंडली इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।